Welcome all of you. Dear students and my dear friends, welcome back once again. मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज देने वाला हूं। ये गुड न्यूज है आपके जॉब के से संबंधित, आपके जॉब के रिगार्डिंग। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब्स इंडिया और गल्फ के लिए एसएसटी ग्रुप्स हायर करने वाला है। बहुत जल्द आपका इसका इंटरव्यू होगा। इसमें आपकी जो प्रोफाइल है वह इन्वाइट की गई है। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब्स होगा और ये जॉब इंडिया और गल्फ दोनों के लिए होगा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कौन से लोग इसे अप्लाई करें और कौन से लोग इसे अप्लाई ना करें। यदि आपको 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हर एक कैंडिडेट के पास उसका पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लोकेशन होगा इंडिया और गल्फ हो सकता है। तो गल्फ की अगर मैं बात करूं तो गल्फ में रियाद होगा, आपका जो है सऊदी होगा, कुवैत होगा और दुबई होगा। ये इतने जगह होंगे गल्फ में जहां पे आपको काम करना होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हैदराबाद होगा, वाराणसी होगा, लखनऊ होगा, दिल्ली होगा, तो यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कुल जगह जो है, कुल जो पोस्ट है जिसका जिसका सिलेक्शन किया जाएगा, 120 पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। और सब पोस्ट का नाम क्या होगा? फायर सेफ्टी सुपरवाइजर का होगा। जी हाँ, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर का पोस्ट होगा। 120 जगह होंगे इंडिया और गल्फ दोनों मिलाकर के। थोड़ा सा और भी डिटेल जान लेते हैं, सैलरी क्या मिलेगी? तो सैलरी जो मिलेगी आपकी वह मिलेगी 5,60,000 रुपए पर ईयर, यानी आपको ये सालाना सैलरी आपको मिलेगी। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 45,000 से अधिक की सैलरी प्रतिमा होता है। तो ये सैलरी जो होगी आपको मिलेगी, काफी आकर्षक सैलरी है। कंपनी भी काफी अच्छी है। और अगला क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, वैक्सीनेशन आपकी जो कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी आपने डबल डोज ले लिया होगा, प्रिकॉशन या बूस्टर डोज भी आपने ले लिया होगा, उसके सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ना तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा और ना ही कोई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ना ही अगली बात कोई की जाएगी। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। एज की मैं बात करूं तो गल्फ के लिए जो एज लिमिटेशन दिया गया है, मिनिमम एज 27 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम एज 27 वर्ष अगर आपकी है, नहीं माफ कीजिएगा, 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो एज होनी चाहिए वो 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बाहर के देशों के लिए। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 27 वर्ष से अधिक की एज भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गल्फ की मैं बात करूं तो वहां पर अगर एज आपकी 27 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो फिर आप वहां के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है। अब मैं बात कर लेता हूं लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आप समझ सकें, एम्प्लॉय के साथ, वर्कर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ये होना चाहिए। अगली बात, ओनली डिप्लोमा की डिग्री इसमें ली जाएगी, वो भी काउंसिल वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर आपने फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का या फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा किया हुआ है, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, एडवांस फायर एंड सेफ्टी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि काउंसिल वेरीफाइड, यानी जब आपकी सर्टिफिकेट की जांच की जाए तो वह काउंसिल वेरीफाइड होना चाहिए, ऑनलाइन वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर काउंसिल वेरीफाइड नहीं होगा, वो एजेंसियां उसे मान्यता नहीं देती हैं, तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। वैसे SST इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि SST इंस्टीट्यूट को एक नहीं दुनिया की कई देशों की काउंसिल वेरीफाइड करती है, तो फिर आपको और आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। और SSTN को पहली वरीयता मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जितने भी SST इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं या बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, वे इसके लिए जरूर तैयार रहेंगे और अपने पर सभी डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहेंगे। और दूसरी क्या होनी चाहिए? इंटरनेशनल नॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, यानी जो इंटरनेशनल सेफ्टी है फायर एंड सेफ्टी का, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर SST इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट है तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है सब कुछ वही पढ़ा हुआ है।
तो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का जो जॉब है आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनका रजिस्टर्ड एसएसटीएनस हैं, उन्हें तो उनके मेल पे पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, लिंक भेज दिया जाएगा जहां से वे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी लोगों के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और उस लिंक से आप इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी अच्छी है, मौका अच्छा है, अगर आपने वास्तव में पढ़ाई किया है, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं और देश दुनिया में घूमकर काम करने वाले हैं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, काफी बेहतर साबित होगा। बट कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस का फेक सर्टिफिकेट मत लगाइएगा। जितने भी लोग हैं सबको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आपसे भी ज्यादा स्मार्ट होता है, वो समझ जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंट सही है फेक है क्या है। डिप्लोमा की डिग्री इसमें जरूर होगी, डिप्लोमा से नीचे की कोई भी डिग्री मान्य नहीं होगा। कोई भी डिग्री होगी आपकी वह काउंसिल वेरीफाइड होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अप्लाई करिए और जैसे कॉल जाता है इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।